इट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल सीन, इट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल सीन। एक कॉन्ट्रोवर्शियल सीन ने कर दिया है सावधान मिलन लूथरिया को। एक कॉन्ट्रोवर्शियल सीन जिसे माना जा रहा है करीना की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 से एग्जिट का रीजन। अब इसी कॉन्ट्रोवर्शियल सीन पर हो गया है एक बहुत बड़ा उलटफेर। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पार्ट 2 के लिए ये कहा जा रहा था कि फिल्म में होगा मंदाकिनी के वेड सीन जैसा ही एक हॉट सीन जिसे फिल्म की लीड एक्टर परफॉर्म करेंगी, लेकिन डायरेक्टर मिलन लूथरिया का कहना है कि उनकी फिल्म में ऐसा कोई सीन होगा ये उन्होंने कभी कहा ही नहीं। You said that. I didn't say that. When did I say it? It won't be anything. I have not said anything about that scene. But it means it won't be there. I have not decided anything. I'm still writing the film. फिल्म का ये सीन एक ऐसी वजह भी है जिसके कारण मिलन शायद अपनी हीरोइन का नाम छुपा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अगर नाम सामने आ गया तो उनकी हीरोइन की इमेज के लिए खतरा हो सकता है। आप लोग उसका कुछ एक मॉफ्ट वीडियो बना देंगे? नहीं, मॉफ्ट वीडियो नहीं बनेगा। इंटरनेट पे उसके ऊपर कुछ 50 लाख वर्जन्स बनेंगे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसी वजह से मिलन ले रहे हैं एक ऐसा नाम जो शायद मंदाकिनी वाला सीन अच्छी तरह निभा तो पाए पर करेंगी नहीं। I would say Penelope Cruz. अब ये तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सीक्वल ही बताएगा कि इस सीन को लेकर वंस अपॉन अ टाइम दिए गए मिलन के स्टेटमेंट्स कितने सच होते हैं। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम मुंबई।